मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने दुबई में संयुक्त अरब अमीरात के महासचिव जमाल अल जरवान के साथ बैठक की तथा राज्य में खाद्य प्रसंस्करण, लॉजिस्टिक्स, पर्यटन और बिजली आदि जैसे विभिन्न क्षेत्रों में निवेश के लिए विद्यमान अपार संभावनाएं उपलब्ध होने के बारे महासचिव को अवगत करवाया है। जमाल ने कहा कि यूएई भारत में खाद्य प्रसंस्करण, लॉजिस्टिक्स और बुनियादी ढांचे में निवेश का इच्छुक है। उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की कि वर्तमान में भारत और यूएई के मध्य 60 बिलियन डॉलर का व्यापार हो रहा है और यूएई सरकार इसे 100 बिलियन डॉलर तक पहुंचाने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि यूएई की सरकार अधोसंरचना में निवेश कर रही है और यूएई के पास राजकीय कोष में अतिरिक्त धन उपलब्ध होने के कारण निवेश के लिए सभी संभावित अवसर खोज रहा है। जमाल ने अबू धाबी और दुबई में विभिन्न क्षेत्रों के किए गए निवेशों के बारे में भी अवगत किया। उन्होंने जानकारी दी कि यूएई हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में आयोजित होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट में भाग लेगा। मुख्यमंत्री ने मुख्य कार्यकारी अधिकारी जाफजा और डीपी वर्ल्ड मोहम्मद अल मुलेम से भी मुलाकात की। मुलेम ने कहा कि उनका समूह हिमाचल में निवेश करने के लिए विशेष रूप से लॉजिस्टिक्स और परिवहन के अलावा बागवानी एवं कृषि उत्पादों के आयात निर्यात में उत्सुक है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की उपस्थिति में राज्य सरकार और विभिन्न उद्यमियों के बीच कई समझौता ज्ञापनों पर भी हस्ताक्षर हुए। मैसर्स एमकेएस ग्रुप के साथ नेचुरोपैथी रिजॉर्ट के लिए 100 करोड़ रुपए और कम लागत वाले हाउसिंग के लिए 150 करोड़ रुपए के निवेश के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। राज्य में निवेश के अवसरों को उजागर करने और राज्य में संयुक्त अरब अमीरात के निवेश को सुविधाजनक बनाने के लिए राज्य सरकार और यूएई इंडिया बिजनेस काउंसिल के बीच एक अन्य समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। यूएई इंडिया बिजनेस काउंसिल यूएई और भारत के बीच आर्थिक तालमेल को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार और यूएई द्वारा स्थापित अधिकारिक संयुक्त व्यापार परिषद है। राज्य के प्रतिनिधि मंडल ने सीओ नीलगिरी ट्रेडिंग चंद्रशेखर भाटिया के साथ भी मुलाकात की। राज्य सरकार और नोमिसामा बैंकिंग एवं फाइनेंशियल एडवाइजरी नीलगिरी ट्रेडिंग के बीच 1000 करोड़ रुपए लग्जरी रिजॉर्ट के विकास के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। पीआर टीवी के लिए शिमला से ब्यूरो रिपोर्ट।